जिस तरीके से दूल्हा बारात लेकर आता है उसी तरीके से यहाँ से हम लोग दुल्हन के साथ बारात लेकर जा रहे हैं वहाँ पर। दबा के ले रहे हैं, दबा के ले रहे हैं। बड़े से बड़े स्टार है हमारे पास। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है जिम्मी ने आप लोग चैनल पर। और दोस्तों, आज हम जा रहे हैं शादी फंक्शन में। जो आपने बासन वाली वीडियो देखी थी, जिनकी शादी है उनको लेकर जा रहे हैं हम, दुल्हन को लेकर जा रहे हैं बारात। जिस तरीके से दूल्हा बारात लेकर आता है उसी तरीके से यहाँ से हम लोग दुल्हन के साथ बारात लेकर जा रहे हैं वहां पर। तो आपको बताएंगे आज पूरी शादी, तो बने रहे वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हम लोग आपके लिए स्पेशल वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि राजस्थान में शादी किस तरीके से होती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं जहाँ के लिए हमें जाना है। और यहाँ पर अशोक भैया, पीछे नेहा और भाभी जी वगैरह सब लोग बैठे हुए हैं। ये कार का व्यू है और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं बाहर का व्यू, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। बस हम लोग पहुँच ही गए, तो हम लोग कहाँ पहुँचेंगे आपको पता लग जाएगा वीडियो में आगे। तो फिलहाल हम लोग वहां पर पहुंच चुके जहां हमें जाना है। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रिसोर्ट में और यहाँ पर चल रही है रस्म। और रस्म का नाम तो इतना पता है नहीं, पर शायद इसे काकड़ पहनाना वगैरह होता है। और ये जो रस्म है, ये राजस्थान में अधिकतर हर मतलब जहाँ जहाँ शादियाँ होती है वहाँ वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी राजस्थान में। तो बाहर का पता नहीं है कि बाहर ये रस्म होती है या नहीं होती, लेकिन फ़िलहाल हमारे राजस्थान में तो मतलब हर जगह ये रस्म होती है, जिसे काकड़ पहनाना कहा जाता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तिलक वगैरह निकाल कर यहाँ पर कपड़े वगैरह दिए जा रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी रस्म हो रही है रिसोर्ट के बाहर। और ये रस्म होने के बाद फिर हम लोग अंदर जाएंगे, एंटर करेंगे रिसोर्ट में, तो आपको अंदर का व्यू भी बताएंगे। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं रिसोर्ट के अंदर और यहाँ पर पी रहे हैं अभी चाय वगैरह, क्योंकि चाय टाइम हो चुका है। जाते ही अंदर चाय आ गई थी, तो फिलहाल चाय पी रहे हैं। आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ चाय। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं इटावा, और इटावा में ये है एवन मैरिज गार्डन। तो ये वहाँ का व्यू है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो बाकी रौनक शाम को होगी, अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, चाय वगैरह पी लिए, खाना वगैरह खा लिया है। और यहाँ पर लग्जरी क्लास है। अभी यहाँ पर फोटो शूट चल रहा है, अशोक भाई साहब है उधर, भाभी जी उन्हें आए, तो फोटो शूट वगैरह चल रहा है। ये देखिए आप, एंजॉय कर रहे हैं शादी में, एंजॉयमेंट चल रहा है पूरा, फुल मिलन मैरिज गार्डन। दबा के ले रहे हैं, दबा के ले रहे हैं। और सामने स्टेज भी दिखाएंगे हम आपको, माधुरी दीक्षित भी दिखाएंगे, ऋतिक रोशन भी दिखाएंगे, सारे सितारे आज यहाँ पर मौजूद है। बड़े से बड़े स्टार है हमारे पास आज। तो धीरे धीरे स्टार भी यहाँ पे आपको नजर आते रहेंगे, हम लोग बताते रहेंगे कौन कौन सा स्टार है। तो चलिए दोस्तों, व्लॉग में बने रहे। तो दोस्तों, अभी बज चुके हैं शाम के 7 और फिलहाल सब लोग तैयार हो चुके हैं शादी एंजॉय करने के लिए। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं अभी सब रूम में हैं, और अब यहां पर रूम से बाहर है सब लोग तैयार हो चुके हैं, क्योंकि अब शाम का समय हो चुका है। और जो भी फंक्शन वगैरह होते हैं शादी में, तो आपको पता है रौनक शाम को ही होती है। तो गाने वगैरह चल रहे हैं, खाना वगैरह सब कुछ रेडी हो चुका है, खाना वगैरह भी चल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर सब लोग तैयार हो चुके हैं, और ये पूरे लोग हमारी कॉलोनी के हैं, मतलब जिस कॉलोनी में हम लोग रहते हैं वहीं के हैं। यहाँ पे युवंस वगैरह डांस मतलब कर रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं बिना डीजे के। डीजे तो दूसरी साइड चल रहा है, लेकिन इन लोगों के कानों में गाने की आवाज़ आई तो ये लोग यहीं थिरकने लगे। फिलहाल यहाँ पर अब सारे के सारे लोग हम सब मिल करके जा रहे हैं रिसोर्ट के अंदर, मतलब और अंदर। हम रिसोर्ट में अंदर ही थे, लेकिन और भी अंदर जा रहे हैं, तो आपको बताते हैं और भी अंदर का व्यू कि कैसा चल रहा है वहाँ सब कुछ।
तो यहाँ पर हो चुका है खाना स्टार्ट, तो सब लोग बैठ चुके हैं और मतलब इस तरीके से बैठकर खाने का मजा ही कुछ अलग होता है। आप लोगों ने काफ़ी जगह देखा होगा टेबल डिनर हो गया, बफर डिनर हो गया, लेकिन उन सब में इतना ज़्यादा पेट नहीं भर पाता, मतलब आत्मा तृप्त नहीं हो पाती है। अगर आप नीचे बैठकर खाना खाते हैं तो मज़ा ही अलग सा आ जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर सब लोग अभी जो पंगत बोला जाता है नीचे बैठकर खाने को, तो फिलहाल यहाँ पर पंगत लगाकर बैठे हुए हैं और खाने का इंतजार कर रहे हैं कि कब खाना आए। और यहाँ पर युवंश के पास तो खाना आ चुका था, तो युवंश ने कर दिया स्टार्ट। तो फिलहाल जो नीचे बैठकर खाने का मज़ा है ना, वो बिल्कुल ही अलग है, और यहाँ पर जो घास थी उस पर बैठकर खाने का तो मज़ा कुछ अलग ही था। तो फिलहाल यहाँ पर आप लोग भी इंजॉय करिए हमारे साथ खाना, तो आइए आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ खाना, और हम आपको दिखाते हैं कि खाने में क्या क्या था। दोस्तों अभी खाना वगैरह खाने के बाद अब आ चुके हैं खाना पचाने डांस करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर डीजे पे सब लोग मस्त होकर एकदम से डांस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं डांस पार्टी, क्योंकि शादी है तो शादी में डांस ना हो तो कैसी शादी। तो फिलहाल चलिए आप लोगों को बताते हैं यहाँ पर डांस। और अब डांस करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर अशोक भैया, और ये आप लोगों ने मतलब इनको काफ़ी ब्लॉग में देखा होगा, 2-3-4 ब्लॉग में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो फिलहाल अशोक भैया और भाभी जी कर रहे हैं डांस, तो आप लोग भी करिए एंजॉय। सब लोग डांस कर रहे थे तो मैं क्यों पीछे रहूँ, और मैं भी पहुँच चुका हूँ डीजे फ्लोर पर, और यहाँ पर हम सब मिलकर कर रहे हैं डांस। तो फिलहाल यहाँ पर मतलब नेहा डांस कर रही है, और सब लोग बोल रहे थे मम्मी को भी कि आप भी जाओ, तो फिलहाल मम्मी और मैं भी पहुँच गए डीजे फ्लोर पर, और हम लोग डांस कर रहे हैं। गाना था सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। गाना में एक्चुअली में इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि कॉपीराइट इश्यूज आ जाएगा, तो एडिटिंग के टाइम पर हम लोगों ने मतलब इस तरीके से इसका हल निकाला। तो फिलहाल आप लोगों को मतलब गाने से क्या मतलब, गाना तो आप सब लोगों ने सुन ही रखा है, तो बस आप तो इन्जॉय करिए डांस, वो भी जल्दी जल्दी वाला। तो दोस्तों यहाँ पर चल रही है मतलब बच्चों की मस्ती, और फिलहाल आप लोग देख सकते हैं युवंश भी जंप कर करके नाच रहा है, और जो मतलब जितने भी बच्चे हैं कॉलोनी के वो सब लोग भी पहुँच चुके हैं डीजे फ्लोर पर, और उनके बाद फिर यहाँ पर पहुँच चुके थे मतलब जो लड़के वाले की तरफ से थे, तो उनकी तरफ से यहाँ पर लोग पहुँच चुके थे डांस करने के लिए।